बुढ़ा गवां बुढ़ा गवां, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा खुदा गवां खुदा गवां खुदा गवां। एक मिनट यहीं रुकना है, माइक मुझे चाहिए जरा। अच्छा जी, ये मेरे उस्ताद हैं। क्या परफॉर्मेंस की पहले तारीफ शुरू करूँ या बातचीत शुरू? नहीं, पहले सांस लो, जब तक मैं पहले तारीफ कर दूँ। ये मेरे टीम का वो हिस्सा है जिसके बगैर मेरा शो नामुकम्मल होता है। कोई कल्चर शो हो, कोई परफॉर्मेंस ऐसी हो जिसमें आपको कोई मैसेज देना हो, तो ये वाहिद बच्ची है जो बहुत चीज़ को समझती है। और इसके लिए इतने आप लोग मैसेजेस करते हैं, इतना फेसबुक पे भी लिखते हैं, ईमेल्स आती हैं हमें ख़ासतौर पे, कि इसकी परफॉर्मेंस जो है वो सबसे बेस्ट लगती है सब लोगों को। तो तालियां जी, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद है उस्ताद जी इनके। अस्सलामु अलैकुम जी। जी जी, सांस फूल गया। अच्छा चले, आप इनके बारे में थोड़ी सी बातें बताएं। ये मेरे उस्ताद हैं। हाँ। इन्हीं की वजह से जो मैं परफॉर्म करती हूँ वो इन्हीं की वजह से करती हूँ। क्या बात है। और इतने एक्सप्रेशंस, इतनी एनर्जी आप कैसे किसी के अंदर भर देते हो, और खुद आप इतने एक्टिव, इतनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस है कि आप तो अभी अमिताभ बच्चन ही लग रहे थे। सच्ची बता रही हूँ, जरूरी नहीं है। हाँ, ज़्यादा अच्छा डांस किया। और हाइट और लुक वैसा होना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक्सप्रेशंस और फील वैसी देना। आपने गाने को उठा दिया, क्या कहेंगे? अरे किधर जा रहे हैं आपकी तो साल से? आप मेरी बात सुने, आप हकदार हैं उस तारीफ के जो मैं दे रही हूँ, वो तालियों के। इसी तरह जिए, इसी तरह मेरी टीम का हिस्सा रहे, इसी तरह काम करें। आप हमें बहुत अजीज हैं, आप सोच नहीं सकते, बहुत अजीज हैं। राबेल मेरी जान, पठानी कल्चर के लिए क्या कहोगी? आज पठानी लग रही होती, प्यारी लग रही हो।
ये आपकी नजरों का कमाल है। ये हमेशा तुम्हारा यही डायलॉग होता है, मुझे ये बात बात की जाती है नजरों का कमाल। वैसे आज मुझे खुद को भी बड़ा, आज सबको बताओ ये कहाँ से ये बनवाई है, कहाँ से ली है ये मुझे खुद नहीं पता है कहाँ से आई है। बहुत प्यारी लग रही है, पर्ल्स भी लगा हुआ इसमें। मेरे सर जी ने मुझे गिफ्ट किया, सर जी ने गिफ्ट किया। भाई सर जी आप तो जिए, थैंक यू सो मच। खुश रहे, आपकी जो राबेल है इसको भी हम अपने पाजला पठानी कल्चर में रखेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो जी तुम बैठो सारा गंडापुर जी के पास। अब बात करते हैं पहले पग की, जरा आप इधर देखते हैं पहले पग क्या खूबसूरती से मुसर्रत शाहीन जी ने पगड़ी पहनी है और सारा गंडापुर ने पहनी है। अब इसके बारे में आप खुद पहले एलैबोरेट कीजिए, ये क्या वजह है जो आपने पगड़ी पहनी है लोगों को? ये शिमला होता है जी, और शिमला उन ख्वातीन को ज्यादा पहनाया जाता है जो नरखजा होती है। नरखजा मतलब आप शायद साहब भी वो बैठी है इतने माशाल्लाह ये बैठी है समझाने उसको, ये शिमला उसको हम लोग इसे शमला कहते हैं। शमला पहाड़ी नहीं, शमला इधर तो शमला पहाड़ी होगी। शमला मीन्स की पगड़ी, जो पंजाबी में ऊंचा शमला, ऊंचा जो शमला थे अखमस्ता, जैसे माँ होती है, बड़ी होती है, बुजुर्ग होती है। क्योंकि मैंने एक मोमेंट एजेंसी में एक उसमें एजिटेशन में हिस्सा लिया था, रियल स्टोरी है, कोई छुपी हुई नहीं है। वहाँ पे उनकी जो बड़ी थी बुजुर्ग मशर खान जो थी बड़ी, वो बाकायदा चारपाई पे बैठी थी मर्दों के बीच में, और उनके आगे जो था ना वेपन पड़ा हुआ था क्लच को। okay. और वहां पे फैसला हुआ था बैठ के चलाती है वेपन। चला हाँ, तो आपने तो मुझे बोला था कब से के वेपन रखो, तभी तो आज आपकी बात ही अलग, आज जरा अलग लगा। अभी तो नरखजा बैठी है हमारे दरमियान। नरखजा एग्जैक्टली जी, इस तरह। और जो बड़ी होती है बुजुर्ग उन्हें समझा जाता है, फिर उनको शिमला पहना दिया जाता है। या फिर ऐसा भी होता है कि फैमिली में अगर बेटा नहीं होता आगे नस्ल में, जो कमांड कर रही है, ये सिचुएशन भी आ जाती है कि मर्द तो दुश्मनियों में अक्सर हो जाते हैं, तो फिर उसमें जो खातून होती है वो अगर दलेरी से फिर वो लीड करती है अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, तो वो लीडिंग लेडी की ये बात कर रही है, उसको हम नर खजा कहते हैं। ये दलेर और दूल्हे के बाप ने मुझे शिमला पहना कर मुझे यानी कि बुजुर्ग का खिताब दिया। क्या बात है, क्या बात है। आप वैसे सीनियर तो हैं ही, फिल्म से हो अपने काम से हो सीनियर तो हैं ही, रिस्पेक्ट हमारे लिए। आज जूनियर मुझे इतना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और फिर गंडापूर्णी के साथ रहती है, की बात है। वो तो आप देख रहे हैं, जगह नहीं छोड़ी अपनी, आपके साथ बैठी है चिपक के। आज तो आपने कमाल कर दिया, इतने गंडापूर ढूंढ के आए, इतने फनकार इकट्ठे किए आपने माशाल्लाह। शाहिद खान आर्टिस्ट जो है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की नहीं है, बुलंद नसीब है कि हमें मैडम का दीदार हुआ। मैंने कहा ना कि पठानों की मलका हुसन, ऐसे नहीं कहा मैंने। आपने जो सोशल वर्क शुरू की है मैं उसके लिए आपको पगड़ी पहनाता हूँ। आपने बहुत फलाई काम शुरू किया, मैंने कहा बड़ी जबरदस्त। इसी ऐसी बात पे एक छोटी सी ब्रेक दरकार है, मगर ब्रेक इस दफा मैं नहीं भेजूंगी और ना ही मैं घूमूंगी, वो तो घूमी गई खैर, मगर अभी ब्रेक के लिए भेजेंगे मेरे सारे ये जो बच्चा पार्टी है ना, ये सारे भेजेंगे और सारे मिल के कहेंगे लोशे पख्तूनदा ऊंची आवाज में। तो 1 2 3